स्टूडेंट्स, मैं श्वेता माहेश्वरी फ्रॉम आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। बच्चों आइए, आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करती हैं। बच्चों मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीडियो में हमने लेसन 11 रीड किया था, तो आप सभी बच्चों ने वो लेसन रीड किया होगा। आज हम उसी लेसन के क्वेश्चन आंसर रिवाइज करेंगे। ओके बच्चों, देखो हमने उस चैप्टर में क्या रीड किया था बच्चों, एनिमल्स के फूड और शेल्टर्स के बारे में। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं। नंबर वन क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड, उन एनिमल्स को आप क्या कहते हैं, विच ईट्स ग्रेन्स, जो ग्रेन्स खाते हैं उनको क्या कहते हैं बच्चों, ग्रेन ईटर्स। क्या कहते हैं? ग्रेन ईटर्स। क्या कहते हैं? ग्रेन ईटर्स। ओके, नंबर टू है, विच थिंग्स एनिमल्स नीड लाइक अस टू लिव, हमारी तरह उन एनिमल्स को जीने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, किन चीजों की आवश्यकता होती है। एनिमल्स नीड फूड एंड शेल्टर्स लाइक अस टू लिव, उन्हें हमारी तरह ही फूड और शेल्टर्स की जरूरत होती है। फूड मीन्स खाना और शेल्टर्स उनके रहने की जगह। ठीक है बच्चों, नंबर थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड विच ईट प्लांट्स, उन एनिमल्स को आप क्या कहते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। क्या बोलेंगे बच्चों? वेरी गुड, प्लांट ईटर्स। क्या बोलेंगे? प्लांट ईटर्स। नंबर फोर क्वेश्चन है, व्हाट आर दोज एनिमल्स कॉल्ड विच ईट्स प्लांट्स एंड एनिमल्स, उन एनिमल्स को क्या कहते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खा लेते हैं, अपने से छोटे और एनिमल्स होते हैं उनको भी वो खा जाते हैं, लाइक फ्लैश जो खाते हैं। ठीक है, दोज एनिमल्स विच ईट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड, वो एनिमल्स जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं उनको हम क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। ओके बच्चों, वो एनिमल्स क्या कहलाते हैं, ओमनीवोरस। नंबर फाइव क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ एनिमल्स आर लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स, फ्रॉग्स और लिजर्ड कौन से टाइप के एनिमल्स हैं? द लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स आर इंसेक्ट ईटर्स, क्योंकि ये क्या खाते हैं बच्चों, छोटे छोटे इंसेक्ट जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको ये खाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, इंसेक्ट ईटर्स। ओके, इसके बाद ये है बच्चों, मैच द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर शेल्टर्स, यहाँ पर मैंने कुछ एनिमल्स के नेम दिए हैं, आपको उनके शेल्टर्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैच करना है कि किस एनिमल का कौन सा शेल्टर है। जैसे नंबर वन पर दिया है मैंने काओ, काओ कहाँ रहती है बच्चों, शेड, तो यहाँ शेड के आगे हम क्या लिखेंगे, नंबर वन, उसको हम क्या बोलते हैं, शेड, तो काओ के शेल्टर को हम क्या बोलते हैं, शेड। ठीक है, नंबर टू है हमारा डॉग, डॉग का होम कौन सा है बच्चों, केनल। ओके, नंबर थ्री है हॉर्स, हॉर्स कहाँ रहता है, स्टेबल। ओके, नंबर फोर हैन, हैन कहाँ रहती है हमारी, कूप, जो हैन का शेल्टर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, कूप। नंबर फाइव लॉइन, लॉइन कहाँ रहता है बच्चों, डेन, गुफा में रहता है ना उसको बोलते हैं डेन। नंबर सिक्स बर्ड्स, बर्ड्स कहाँ रहती है, नेस्ट। नंबर सेवन स्नेक, स्नेक कहाँ रहता है, होल। और नंबर एट पर क्या दिया है, बी, बी कहाँ रहती है, हाइव। तो ये सभी आपके एनिमल्स के होम हैं, तो आपको एनिमल्स के होम भी लर्न करने हैं और वो अपने क्वेश्चन आंसर भी आपको अपनी कॉपी में लेसन के अकॉर्डिंग नोट डाउन करनी है। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।